भी तस्वीरें या वीडियो आप लोगों ने देखे होंगे, एक बात स्पष्ट है कि एक अपार जन समर्थन आज की तारीख में लोक जनशक्ति पार्टी है। और जिस आशीर्वाद की उम्मीद से मैं निकला था वो आशीर्वाद आज की तारीख में मुझे मिल रहा है। मैंने इस बात को कहा कि कहीं ना कहीं मेरे अपनों ने जब मुझे धोखा दिया, मेरे अपनों ने जब मेरी पीठ पे खंजर भोंकने का काम किया, और वो सिर्फ मेरी पीठ पे नहीं, कहीं ना कहीं मेरे पिताजी आदरणीय रामविलास पासवान जी की पीठ में इन्होंने खंजर भोंकने का काम किया। आज जो लोग कहते हैं कि वो अपने भैया के आदर्शों पे चल रहे हैं, दुख होता है मुझे कि ये वही व्यक्ति हैं जो कि उनके द्वारा लिए गए हर निर्णय पर उंगली उठाते हैं। भले वो मुझे राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने की बात हो, भले वो इन्हें प्रदेश अध्यक्ष के पद से हटाने की बात हो, ये तमाम ऐसे निर्णय हैं जो हमारे नेता, हमारे आदर्श आदरणीय रामविलास पासवान जी अपने रहते रहते ही ये सारे फैसले लेकर गए थे। पर उसके बावजूद जिस तरीके से ये लोग बार बार उनके द्वारा लिए गए निर्णयों के ऊपर उंगली उठाते हैं, जिसमें सबसे प्रमुखता से लोक जनशक्ति पार्टी का कभी भी जनता दल यूनाइटेड के साथ होना है। हम लोग जब से पार्टी बनी है तब से लेकर आज तक, सिर्फ 2019 के लोकसभा के चुनाव अगर आप छोड़ दें, वो भी इसीलिए क्योंकि 2014 में हम लोगों का गठबंधन पहले हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के साथ हो चुका था। उसके बाद 15 के चुनाव में नीतीश जी साथ में नहीं थे, 14 के चुनाव में भी नहीं थे, रातों रात ये 19 वाले चुनाव में 2017 के आखिर में ये गठबंधन का हिस्सा बने। उस वक्त भी पापा सहज नहीं थे क्योंकि नीतीश जी की कार्यशैली से वो कभी संतुष्ट रहे ही नहीं, जिस व्यक्ति ने हमारी पार्टी को निरंतरता में तोड़ने का काम किया। आज पहली बार हमारी पार्टी थोड़ी तोड़ी गई है। 2005 में दोनों जो चुनाव हुए थे, फरवरी और नवंबर, सारे जीते हुए विधायक इन्होंने तोड़ने का काम किया, हमारे MLCs को तोड़ने का काम किया, हमारे राज्यसभा सांसद को तोड़ने का काम किया, और अब तो पार्टी के साथ साथ परिवार भी तोड़ने का काम किया। और यही कारण है कि पापा कभी भी, हमारे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी कभी भी इनके साथ मिलकर काम करने में सहज नहीं थे। 17 में भी वो परेशान थे, असहज थे। उस वक्त तत्कालीन भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जी सब ने मिलकर इस बात का आश्वासन दिया कि कोई ऐसी असहजता इस गठबंधन में आएगी नहीं। पर पुनः हम लोगों ने वही देखा कि लोकसभा के चुनाव में हमारे हर एक सांसद को, जितने सांसद आज इन लोगों के साथ गए हैं, हर एक सांसद को जनता दल यूनाइटेड के नेताओं ने हराने का प्रयास किया। चिराग पासवान जी दिल्ली हाई कोर्ट गए थे अपनी शिकायत लेकर कि असली लोजपा हम हैं, और श्री पशुपति कुमार पारस जी लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं है, उनकी इस शिकायत को ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया है और उनको सुना भी नहीं गया है, और पूरी तरह से दिल्ली हाई कोर्ट ने उनका जो अर्जी था उसको डिसमिस कर दिया है, और पशुपति कुमार पारस जी के साथ पूरे देश का जो लोक जनशक्ति पार्टी का कार्यकर्ता है, जो संगठन है, पूरी तरह पारसराव के साथ एकजुट है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।